नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जय भारत। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सभी कबूतरबाज का जो एक ही प्रॉब्लम है, मैंने ज्यादा से ज्यादा मुश्किल डायरिया के ऊपर ये वीडियो है ना। आप थंबनेल देख के तो पता ही चल गया जो डायरिया कैसे ठीक करें, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। 24 आवर्स में आपका डायरिया ठीक हो जाएगा, 24 आवर्स में आपका जो हैवी डायरिया था वो ठीक हो जाएगा 24 घंटे में, ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोल देता हूँ, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब किया है वो दिल से सैल्यूट, और जिस भाई ने अभी देख रहे हो वीडियो वो आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा लेना, ऑल कर देना, बस वही। तो पहले देखिए आपका जो डायरिया होगा उसका लिए दो रीजन होगा, ठीक है ना। उसका डाइजेशन लेवल, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन हो, आप जो भी खान पान खिलाए, और इस टाइम पे क्या होता है ना, डायरिया टाइम पे आप कोई भी अनारी खावार जो इसको बोलते हैं, माने भूल भाल, मतलब गलत तरीका से खान पान कबूतर को आप दे नहीं सकते। दो खबर देना पड़ेगा, एक खबर देना पड़ेगा, वो हम बाद में आते हैं क्या क्या देना पड़ेगा। तो पहले हेवी जो डायरिया है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो डायरिया का जो वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। देखिए अब 24 घंटे में वो रिकवरी हो गया कबूतर का, ठीक है भाई। तो चलिए क्या क्या मेडिसिन देना पड़ेगा, क्या क्या देना पड़ेगा। तो पहले तो डायरिया जब कबूतर का होता है तो कबूतर ने फर्स्ट उसका जो पॉटी है वो पतला बीट करेगा, ठीक है। मान लीजिए पतला बीट करके उसको हरी बीट होगा, और आप देख लेना उसका पोट अगर जाम नहीं होगा, अगर पोट जाम होगा तो आप कोई भी तरीके से उसको हार्ड फूड मत देना, जैसे छोला मटर बा गेहूं, इस टाइम पर मत देना कबूतर को, ठीक है ना। एम्प्टी स्टोमक में आप मेडिसिन देना, कबूतर तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। 24 आवर्स में आपको ठीक हो जाएगा, मैं 100% चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, 24 आवर्स में ठीक हो जाएगा कबूतर, ठीक है। आदमी क्या भूल करते हैं, आदमी का गलत क्या करते हैं, कबूतर को ठूस के खिला देता है, उसके बाद कबूतर को मेडिसिन देता है। तो मेडिसिन खाने के बाद जो मेडिसिन आप दोगे ना वो 50% to 60% काम करता है, 100% काम नहीं करता है। तो इसी बात का जो है, तो पहले आपको देना पड़ेगा ये, देखिए ये ORS, ठीक है ना, ये ORS वॉलेट है। तो देखिए ऐसे आता है ये 5 स्टिक वॉलेट, ठीक है ना। आप 500 ml पानी में एक पीस का 5 रुपए पड़ता है, ठीक है ना, एक पीस का 5 रुपए सिर्फ पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो इसको देना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ 5 ml माने 500 mg में आपको ये मेडिसिन को देना पड़ेगा। देखिए ये है वायलाइट, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी और होगा, देखिए आप वायलाइट आपको नहीं मिले तो आपको ये ORS का अगर मिल जाए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ORS आपको मिल जाए तो इसका आधा लगेगा, ठीक है ना, इसका आधा लगेगा, आधा, ठीक है। वो छोटा वाला 500 में एक दे देना, और ये अगर मिल जाए तो ये इसको आप हाफ दे देना, हाफ, ठीक है भाई लोग, इसको हाफ दे देना। तो इसको ORS देने से क्या होगा, उसका जो शरीर का जो पानी का दिक्कत, भूख लगने का दिक्कत, वो आपको ठीक रहेगा। उसके बाद देना पड़ेगा, अगर कबूतर वॉमिटिंग में हो भी नहीं हो, कोई भी चीज हो, देखिए ये एक मेडिसिन है, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है, अब मैं नाम दिखा देता हूँ, देखिए मैं स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए ये इसका नाम है डोमस्टोल, ठीक है भाई, इसका नाम है डोमस्टोल, वॉमिटिंग में काम आता है। अगर कोई भी कबूतर वॉमिटिंग कर रहा है तो खाली पेट में ये 4 हिस्से करके एक दे दीजिए अलग से, आपको बहुत सही हो जाएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ एक रामबाण मेडिसिन में बोल रहा हूँ, जो सभी मिला के आपको देना पड़ेगा कबूतर को, ठीक है ना। आपका कबूतर में हर दाने, जो कबूतर बने ठीक है आपका कबूतर में, वो भी आप दे सकते हैं, वो हम बाद में आते हैं क्या करना है, अगर कबूतर हेवी डायरिया हो गया तो आपको क्या करना है। तो 500 ml पानी में हो गया आपका, हाफ ORS चला गया और एक चला गया डोमस्टोल, ठीक है ना, एक चला गया है डोमस्टोल, मैं स्क्रीन में दे दूंगा डोमस्टोल का एक फोटो, ठीक है ना, चला गया डोमस्टोल। उसके बाद क्या लगेगा, देखिए उसके बाद लगेगा ये है लोपामाइड, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, आज फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये है आपका डोमस्टोल, सॉरी
ये है आपका लोपामाइड, ठीक है, टैबलेट ऐसे ऐसे फॉर्म में आके आता है, ये हो गया आपका लोपामाइड, वो कब ये लोपामाइड लगेगा आपको 500 ml पानी में, दो लगेगा, दो, ठीक है, दो लगेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और दो मेडिसिन, देखिए ये है वाइजिलैक, ठीक है ना, ये है वाइजिलैक 500 ml पानी में आप एक कैप्सूल देना, ठीक है, 500 ml पानी में एक कैप्सूल देना, हो गया। उसके बाद है, अब देखिए ये है पेट का दवा है, ठीक है ना, ये नॉर्फ्लॉक्स टीजेट है, आप नॉर्फ्लॉक्स टीजेट भी ले सकते हैं, आप O2 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप जी डॉट भी ले सकते हैं, जी डॉट काफी महंगा आता है, एक कैप्सूल का 28 रुपए या 30 रुपए शायद दाम है, छोड़ दीजिए, आप O2 ले लीजिए, बा नॉर्फ्लॉक्स टीजेट ले लीजिए, आपको मैं स्क्रीन में डाल दूंगा ये बड़ा पिक्चर, और ये लगेगा एक 500 ml पानी में एक लगेगा, ठीक है ना, 500 ml पानी में एक लगेगा। और आखिर में जो मेडिसिन मैं दिखा रहा हूँ वो कबूतर के लिए एक रामबाण है, रामबाण घर में सभी कबूतरबाज को ये रखना चाहिए, क्योंकि कबूतर का पेट ही खराब होता है उसके बाद सब कुछ होता है, तो कबूतर पेट खराब के लिए ये दवा बहुत ही, देखिए ये है इकोनॉम सैशेट, ठीक है, बड़ा से मैं स्क्रीन में दे दूंगा, ये आप सुन लीजिए, ये है इकोनॉम सैशेट, ठीक है ना, ये एक रामबाण मेडिसिन है कबूतर पेट के लिए, आप कोई भी आपका पेट खराब का कोई भी अगर सिम्टम मिल जाए तो ये घोल के आप खिला दीजिए कबूतर को, देखिए आधा घंटे दो घंटे पांच घंटे में कबूतर पॉटी रिकवरी करेगा। तो हेवी डायरिया में 24 घंटे में ये अगर दे देते तो आप कबूतर पूरा एकदम ठीक हो जाएगा पूरा। तो इसको आपको 3 दिन लगातार या 5 दिन लगातार करना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 दिन में अगर कबूतर सही हो जाए, ये सब मेडिसिन डाल के एक पानी में घोल बना के आप कबूतर को दे दीजिए 10 ml पानी करके, हर कबूतर को, जिस कबूतर को हेवी डायरिया है, ठीक है ना। तो मैं एक बार मैं ऑल में बोल देता हूँ, पहले तो लगेगा ORS, उसके बाद लगेगा एक इकोनॉम सैशेट लगेगा, एक इकोनॉम सैशेट का आप हाफ भी डाल सकते हैं, हाफ, ठीक है ना, हाफ आप डाल सकते हैं, 1 ग्राम है, आप 1 ग्राम है, आप हाफ डाल सकते हैं। अगर इसका टैबलेट भी मिलता है, कैप्सूल शायद कैप्सूल ही होगा, वो आप मिल सकता है 250 वो आपका 250 mg का टैबलेट है, 6 कैप्सूल का दाम है 240 रुपए, और इसका एक दाम है 60 रुपए, ठीक है ना, 60 या 65 रुपीज शायद दाम है, ठीक है ना, इसका हाफ दे देना 500 ml पानी में, 500 ml पानी में हाफ देना। अगर आपका कबूतर हेवी डायरिया में है, मैं बोल रहा हूँ आप एक पूरा पैकेट डाल दीजिए, आप देखना 24 घंटे में आपका कबूतर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो लगेगा ORS, देखिए लोपामाइट, एक इकोनॉम सैशेट, एक लगेगा डोमस्टोल, ठीक है, और लगेगा एक लगेगा वाइजिलैक, और एक लगेगा आपका नॉर्फ्लॉक्स टीजेट, ठीक है। अगर आपको हेवी डायरिया है कबूतर को, PNV वायरस जो है आपके घर में अटैक हो गया, अगर टाल हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन 500 या 600 ml पानी में, ठीक है ना भाई, 500 या 600 ml पानी में आप कबूतर को डाल दीजिए, कबूतर को, ठीक है भाई। तो कबूतर को पकड़ पकड़ के आप खिला दीजिए, आपका कबूतर सही हो जाएगा। अगर मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, कबूतर को एम्प्टी स्टमक में कबूतर को आप देना, कबूतर को एम्प्टी स्टमक में देना, ठीक है ना। उसके बाद खान पीन क्या होगा, खाना पीना क्या होगा कबूतर का, मैं बोल रहा हूँ। तो इस टाइम पे कबूतर को छोला मटर कोई भी सॉलिड फूड कबूतर को मत दीजिए, कबूतर को लाइट खबर एकदम दीजिए। लाइट खबर में क्या होता है, सिर्फ बाजरे होते हैं, सिर्फ बाजरे जो डाइजेशन में एकदम फर्स्ट क्लास होता है, कोई भी रागी कोई भी दाना कोई भी नहीं चलेगा। आपका कबूतर अगर डायरिया में है तो आपको बाजरा देना पड़ेगा, बाजरा देने का तरीका मैं बोल रहा हूँ। तो बाजरा देने का तरीका क्या होगा, आप मान लीजिए आपका जो कबूतर है जो खाना खाता है वही हिसाब से आपको कबूतर को बाजरे लेना पड़ेगा, ठीक है। बाजरे लेने से पहले आपको मैक्सिमम 6 घंटे के लिए कबूतर को बाजरे को आप भिगो दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे बाजरे को अच्छी तरीके से धो लीजिए, धो के उसका जो डेट खवार है, डेट जो दाना है जो, उसको आप निकाल के फेंक दीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से धो लीजिए, धो के आप 6 घंटे के लिए पानी में आप भिगो दीजिए, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ अभी, 6 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए वो बाजरे को,
उसके बाद कबूतर को आप 6 घंटे के लिए वो बाजरे को आप भिगो दीजिए। उसके बाद 6 घंटे के बाद उसको उठा के आप धूप में रख दीजिए, धूप में उसका पानी पूरा सूख जाएगा। उसके बाद कबूतर को शाम को, और एक बात टिप्स में दे रहा हूँ, 6 बजे से पहले कबूतर को खिला देना। सूर्य जब है आसमान पे तभी कबूतर को आप खिला देना, जो खाए वही खाए। उसके बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये जो मेडिसिन है आप रात को एक बार दे दीजिए। दिन में अगर आपका हेवी डायरिया है, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको हेवी डायरिया, तो ये प्रोसेसिंग आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक होगा सुबह और एक होगा रात को। ठीक है भाई लोग, एक होगा रात को, अगर मैं बोल रहा हूँ खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद ही इसको देना पड़ेगा, खाने के तुरंत बाद मत दीजिए। ठीक है ना, तो इसको 2 बार आप चला लीजिए, आपको 24 घंटे में आपका कबूतर सही हो जाए। मेरा ये चैलेंज है आपको, अगर मान लीजिए आपका कबूतर में हेवी डायरिया नहीं हल्का डायरिया है तो आप एक बार चला लीजिए इसको। ठीक है भाई लोग, अगर कबूतर को कोई भी कुछ बीमारी नहीं हुआ, अब मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी हवा कभी गर्म हवा चल रहा है, अभी कबूतर को डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हरी बीट करेगा, तो आप क्या करिए, आप ये 1 लीटर पानी में यही भाग, यही डोज जो है, ये सभी जो सब सब मेडिसिन, ये डोमस्टोल है, ये इकोनॉम सचेट है, वाजिलक है, ये एक लोपामाइड है, और एक छोटा सा सैसेट अब ओ आर एस का, यही चीज आपको देना पड़ेगा कबूतर को 1 लीटर पानी में। आप 10 दिन छोड़ के दीजिए ना, देखिए आपका कबूतर में कोई भी बीमारी नहीं आएगा। चैलेंज में लेता हूँ, कोई भी बीमारी नहीं आएगा आपका लॉफ्ट में, कोई भी डायरिया, कोई भी डाल, कोई भी ट्विस्ट नहीं, कुछ भी नहीं आएगा आपका कबूतर में। अब मान लीजिए मेरा ये ठोक के दवा है ये, ठीक है ना, तो मेरा ये मेडिसिन आपको मैं बोल दिया हूँ, आप अच्छी तरीके से आप कबूतर को समझ लीजिए, ये आपको देख लीजिए। और कबूतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कबूतर क्या चाह रहा है, कबूतर क्या चाह रहा है। अगर कबूतर आपको, अगर आपका कबूतर मान लीजिए कोई भी दाना पोट में नहीं रख रहा है, उसका सेकेंड पोट में इन्फेक्शन हो गया, वो वॉमिटिंग कर रहा है, तो आप क्या करिए, इसका 1/4 हिस्सा, ये डोम स्टोल है, 1/4 हिस्सा आप देके कबूतर को सिर्फ 5 ml पानी देके आप छोड़ दीजिए कबूतर को। आधा 1 घंटे के बाद आप सिर्फ छत्तू लीजिए, छत्तू चने का जो पाउडर होता है, चना का छत्तू लीजिए, छत्तू 1 चम्मच छत्तू आप घोल के गर्म पानी में घोल के और कबूतर को खिला दीजिए। थोड़ा सा न्यूपेपिन दे देना वो डाइजेशन के लिए, बस कोई भी दाना मत दीजिए, सही हो जाएगा आपको कबूतर। आपको समझना चाहिए कबूतर को क्या हुआ है, बस अगर खाना पोट में है, पोट हजम हो रहा है तो पिछले करिए, अगर पोट नहीं हो रहा है हजम तो आप क्या करिए, आपको उसको लिक्विड खबर देना पड़ेगा। आप भात भी देख सकते हो, ठीक है ना, राइस जिसको जो आप भात हिंदी में चावल बोलते हैं, चावल भी देख सकते हो, चावल आप मैश कर लीजिए एकदम पतला करके, सीरिंज में आप उठा के आप कबूतर को दे दीजिए, 5 ml 10 ml जो भी है, उसको उसका डाइजेशन लेवल देख के आप कर सकते हैं। तो ये है भैया, ये रामबाण एक मेडिसिन है, मैं आपको दिखा दिया हूँ, और आपका लॉप में मैं दावे से कह सकता हूँ, आपका लॉप में कोई भी डायरिया, कोई भी टाल, कोई भी PNV वायरस जो होता है, ठीक है ना, वो नहीं होगा आपका लॉप में। तो चलिए वीडियो यही तक था, सभी को राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।